नमस्कार, मैं आपका होस्ट नीरज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ व्यूअर्स का, अपने दर्शकों का हमारे शो अननोन फैक्ट्स में। हाँ जी, ये थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है क्योंकि हमने थोड़ा जॉनर अपना जो है चेंज कर लिया है। आज फनी न्यूज़ देने के बजाय, टेक न्यूज़ देने के बजाय, मैं आपको कुछ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से रिलेटेड अननोन फैक्ट्स बताऊँगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। जिन लोगों को पता है प्लीज़ आप भी देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है ये थोड़ा सा हेल्पफुल यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला जो अननोन फैक्ट है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से रिलेटेड, ये है कि जो फर्स्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हुआ था, दैट टुक प्लेस इन 1925। द फर्स्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट वॉज डन इन 1925 विद अ ग्रे स्केल इमेज इन अ 30-line वर्टिकली स्कैन फॉर्मेट एट 5 pictures per second। आपको बहुत स्लो लग रहा होगा सुन के 5 pictures per second, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे सेटअप्स हैं जिनकी वजह से जैसा चाहे वैसा शूट हो सकता है, जब चाहे तब हो सकता है। बट 1925 में जब पहला ब्रॉडकास्ट हुआ था तब इसकी स्पीड, हाँ जी हाँ बिल्कुल, 5 pictures per second थी, बहुत स्लो थी। सेकेंड फन फैक्ट की बात करूँ तो जो नेम गूगल वॉज क्रिएटेड एक्सीडेंटली, गूगल जो कि बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है, हम सभी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो जो उसका नाम पड़ा था गूगल, इट वॉज क्रिएटेड एक्सीडेंटली। हाँ, उसका नाम सपोज जो उसका ओरिजिनल नेम होने वाला था वो गूगल होने वाला था। गूगल इज़ द डिजिट 1 followed by 100 zeros, ये इसका मतलब होता है। गूगल का मतलब होता है डिजिट 1 followed by 100 zeros। तो ये गूगल को फिर दोबारा मॉडिफाई करने के लिए, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, प्रोनाउंसिएशन इसकी अच्छी करने के लिए गूगल किया गया, और दे लाइक दैट नेम इवन बेटर एंड रजिस्टर्ड द डोमेन नेम ऑन September 15, 1997। तो गूगल की बजाय google.com जो है उसको, उनको अच्छा लगा नाम, और ये रजिस्टर हुआ डोमेन में 15 September 1997 को। तो अब नेक्स्ट फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो याहू भी एक सर्च इंजन है, आप लोगों को पता है याहू बहुत ही फेमस एक टेक्नोलॉजिकल वेबसाइट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। तो जो याहू है, इट इज़ एन एक्रोनेम फॉर येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। जी हाँ, ये याहू की फुल फॉर्म है, इनफैक्ट ये मुझे भी आज ही पता चली। तो इसकी जो फुल फॉर्म है एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल जो है, इट इज़ एक्रोनिम फॉर याहू, और याहू इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब अगले फैक्ट की बात करूँ तो अननोन की, ट्विटर्स बर्ड इज कॉल्ड लैरी, नेम्ड आफ्टर बास्केटबॉल लेजेंड लैरी बर्ड, अ फेमस फॉर्मर बॉस्टन सेल्टिक्स फॉरवर्ड। ट्विटर का जो आपने सिंबल देखा होगा, बहुत ही फेमस सिंबल है, जो बर्ड है जिसको लैरी बोलते हैं, शायद आपको ना पता हो, ये नेम जो है लैरी बर्ड एक फेमस बहुत ही सेल्टिक्स, एक NBA में टीम है, NBA में बॉस्टन सेल्टिक्स करके जो टीम है उसके बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर थे लैरी बर्ड, उनके नाम पे ये नाम रखा गया था। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करूँ तो एप्पल वर ओरिजिनली डिजाइंड एन एप्पल शेप्ड फ्लिप आईफोन। एप्पल जब सबसे पहले आईफोन आया था तो उससे पहले एक ओरिजिनली एप्पल शेप का एक फ्लिप फोन बनाने की तैयारी कर रहे थे, बट वो नहीं हो पाया किसी रीज़न से। बट जो भी उनका आईफोन आया, आप देख ही रहे हैं कि कितना फेमस अब हो चुका है, और यूनिकॉर्न बोल सकते हैं कि यूनिकॉर्न जो है एप्पल बन चुका है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करूँ तो नोकिया यूज टू सेल टॉयलेट पेपर। बिफोर नोकिया सोल्ड मोबाइल फोन्स, दे मैन्युफैक्चर्ड अ रेंज ऑफ अदर आइटम्स सच एज टॉयलेट पेपर, टायर्स, कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, नोकिया बहुत ही अपने टाइम पे बहुत ही फेमस मोबाइल फोन ब्रांड था, अब तो इतना नहीं है, बट हालांकि पिछले 10 साल से गायब हो चुका है मार्केट से, बट नोकिया मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर की जगह पहले बहुत सारी अदर प्रोडक्ट्स में उन्होंने लाइक अपना काम किया था, टॉयलेट पेपर्स, टायर्स, कंप्यूटर, और ये सब चीज़ें वो फ़ोन मैन्युफैक्चर करने से पहले करते थे। लास्ट फैक्ट की बात करूँ तो लास्ट फैक्ट है द क्वर्टी कीपैड। क्वर्टी कीबोर्ड वॉज डिज़ाइन टू स्लो यू डाउन। अब हमें लगता है कि क्वर्टी से बहुत जल्दी टाइप हो जाता है, बट ओरिजिनली इसका यूज़ किया गया था ताकि थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाए और हम अच्छे से देख के टाइप कर सकें। तो थैंक यू सो मच, ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स जो आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स को शायद नहीं पता होंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कल को कोई आपसे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो अपने आप इंपॉर्टेंट व्यूज रिव्यूज उनके सामने रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।